और ये पॉइंट है ओरिजिन, तो आपने क्लास 10th में निकाला था बेटा, तो ये आ गया आपका अनरूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ जेड इज गिवन बाय मॉडुलस जेड इक्वल टू अनरूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज नोन एज मॉडुलस ऑफ जेड। ओरिजिन से डिस्टेंस, कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस आपकी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। तो हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो मॉडुलस जेड हो गया अनरूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अनरूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसका मतलब कभी भी किसी का भी मॉडुलस निकालना है तो ऐसे लिखे निकालना है। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं तुम्हें, अभी आर्गुमेंट की बात बाद में करेंगे अपन। जेड इक्वल टू फोर माइनस सेवन आयोटा, तो इसका मॉडुलस जेड हो गया अंडरूट ऑफ फोर का स्क्वायर प्लस माइनस सेवन का स्क्वायर, दिस इज मॉडुलस जेड। फोर का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 14, तो इसका मॉडुलस जेड आ गया आपका रूट 65। तो हमारा इसका जो मॉडुलस जेड आया, इसका मॉडुलस ऑफ जेड आया कॉम्प्लेक्स नंबर, वो रूट 65 आ गया। इस तरह से हम मॉडुलस निकालेंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को दिक्कत है बेटा? No, sir. अब जैसे मैं आपसे फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पहली प्रॉब्लम फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा अपॉन टू माइनस थ्री आयोटा। अब इसका मॉडुलस निकालना है। अब देखो इसका मॉडुलस क्या आएगा मैं अभी बता देता हूँ। वैसे तो अभी तो मैं पहले निकाल के बता देता हूँ, फिर मैं प्रॉपर्टी से इसको समझा दूंगा तुम्हें। पहले तो मैं इसको डायरेक्ट निकाल के बता देता हूँ। हाँ बेटा। नहीं बेटा मैं क्लास के बाद खाऊंगा। टू प्लस थ्री आयोटा अपॉन टू प्लस थ्री आयोटा, इसको मैं रेशनलाइज कर लूंगा। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि पहले मैं तुम्हें दोनों चीजें बता करके बता, मैंने इसको रेशनलाइज कर लिया। मल्टीप्लाई करोगे टू प्लस फोर आयोटा प्लस थ्री आयोटा प्लस सिक्स आयोटा स्क्वायर, और नीचे हो गया टू का स्क्वायर माइनस थ्री आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ गया। देखो ये माइनस सिक्स हो गया, टू माइनस सिक्स हो गया माइनस फोर प्लस सेवन आयोटा, फोर माइनस नाइन आयोटा स्क्वायर, तो यह आ गया माइनस फोर प्लस सेवन आयोटा अपॉन फोर प्लस नाइन। ये हमारा जेड आ गया माइनस फोर प्लस सेवन आयोटा अपॉन थर्टीन। इस जेड में कोई दिक्कत है किसी को? ये जो मैंने सिंप्लीफाई किया है? नो सर। देख लो बेटा, किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो। माइनस फोर प्लस सेवन आयोटा अपॉन थर्टीन, माइनस फोर प्लस सेवन आयोटा अपॉन थर्टीन, ध्रुव इतना लेट क्यों? इश्यू आ रहा था। अब क्या हुआ, नेटवर्क कनेक्शन नहीं हो रहा था? हाँ सर। चलो अब मैं इसका मॉडुलस जेड निकाल रहा हूँ भाई। मॉडुलस जेड नीचे 13 तो एजीटी लिखा रहे, तो बस ऊपर का मॉडुलस निकाल दो। माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस सेवन का होल स्क्वायर,
16 plus 49 रूट 65/39 ये आ गया भाई इसका, दिस इज द मॉडुलस वेव, ये इसका मॉडुलस वेव। लेकिन इतना काम करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा अभी, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि इस तरह से होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। बेटा इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 13 × 13 भाई स्क्वायर लिख दूं ताकि अंडरूट में चला गया। अब ये 5 टाइम कैंसिल हो गया भाई, इस 13 को स्क्वायर रूट के लिए अंदर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 13 × 13 करना पड़ेगा। इसका आंसर, फाइनल आंसर ये भी हो सकता है √5/13। तो हमने इसका ये मॉडुलस निकाल दिया, लेकिन इतना काम करने की जरूरत नहीं है बेटा इसके लिए, ये तो मैंने सिर्फ समझाया है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है वो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ अभी। जो हम प्रॉपर्टीज जो पहले बता देता हूँ, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं इसकी, प्रॉपर्टीज मॉडुलस Z1 Z2, मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2, मॉडुलस Z1/Z2, ये वाली प्रॉपर्टीज से हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे बेटा। ऊपर का भी मॉडुलस निकाल दो, नीचे का भी मॉडुलस निकाल दो, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई कभी भी अपॉन में मॉडुलस आ जाए तो ऊपर का भी मॉडुलस निकाल दो, नीचे का भी मॉडुलस निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मेरे को जितना याद आ रहा है ये वाली प्रॉब्लम थी आपकी, क्या थी, किसी को याद है कि 1 + 2i अपॉन क्या थी, 2 - 3i क्या थी? यस सर, 2 - 3i। ये हमारा जेड था, अब इसका मॉडुलस जेड निकाल रहा हूँ मैं, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 4 और नीचे आ गया 4 + 9, तो ये आ गया ऊपर 5 आ गया और नीचे 13 आ गया। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई का भाई? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब आपको उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ऊपर का मॉडुलस अलग लगा दीजिए, नीचे का मॉडुलस अलग निकाल दीजिए। ये इस तरह से मॉडुलस निकालने का तरीका है। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। आर्गुमेंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट ऑफ जेट, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेट, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x, y, ये ओरिजिन, ये m, मैंने बोला ये x है, ये y है, और ये मैंने r मान लिया, और एंगल कितना बना रहा था ये x एक्सिस के साथ, थीटा, tan थीटा y upon x, perpendicular upon base, tan theta equal to y upon x, ये आपका जो theta है, this is called argument or amplitude of z, amplitude of z, ये कहलाता है बेटा argument, जो theta है वो आपका, theta is called आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, थीटा को हम आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड बोले। अब कैसे निकालेंगे समझो, यहां पर आपको चार तरीके से याद रखना पड़ेगा बेटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज थीटा, एक्यूट एंगल आएगा जो भी आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो एक्यूट एंगल आएगा थीटा। अभी मैं प्रॉब्लम करके बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो बेटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आएगा पाई माइनस थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आएगा पाई माइनस थीटा। अभी सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, बस अभी देखते चलो कि कैसा आ रहा है। थर्ड, अभी सिर्फ लिख लो, मतलब आप देख लो कि क्या लिख रहा हूं मैं। कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा जो सेकंड में आया उसका नेगेटिव। और फोर्थ, इफ आर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज माइनस थीटा, तो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ रहा है माइनस थीटा। ये चार केस आपको याद रखने हैं। ये कैसे निकालते हैं अभी समझा रहा हूं कि हम किसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। तो याद रखना है कि यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आर्ग्यूमेंट जेड वही का वही आएगा, मतलब एक्यूट एंगल थीटा आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पाई माइनस थीटा आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस थीटा है। अब ये क्वाड्रेंट का क्या मतलब है ये समझा रहा हूँ बेटा, क्वाड्रेंट का मतलब क्या है वो समझा रहा हूँ आपको। देखो जैसे मैं आपसे बोलूं, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, ओ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू रूट थ्री माइनस आयोटा। इसका हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस दोनों निकालना है, आर्गुमेंट भी निकालना है और मॉडुलस भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, समझना बेटा सब। कंपेयरिंग विद और स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स का वैल्यू आ गया रूट थ्री और वाई का वैल्यू आ गया माइनस वन। हमारा x का वैल्यू आ गया रूट थ्री और y का वैल्यू आ गया माइनस। बेटा x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट है? अब बोलो बेटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ। बिल्कुल, तो आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ तक कोई डाउट? यस सर। नो सर। बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। दिया बोल बेटा। नो सर। अब मैं सबसे पहले मॉडुलस निकाल लेता हूँ। मॉडुलस तो इजी पार्ट है, मॉडुलस ये लो, मॉडुलस तो याद है रूट थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, रूट फोर मतलब टू। ये तो इसका मॉडुलस जेड हो गया, ये हमारा इसका मॉडुलस जेड हो गया। अब आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे? टेन थीटा हो गया भाई आपका वाई बाय एक्स, टेन थीटा हो गया आपका वाई बाय एक्स। अब ध्यान से समझना बेटा, t
tan theta आ गया y by x. तो tan theta आ गया y की value minus one upon root three. बेटा one by root three किसकी value है? माइनस मत देखो बस, वन बाय रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है? पाई बाय सिक्स. 30 डिग्री बेटा याद है दियर, 30 डिग्री की वैल्यू होती है. यस सर. टेन 30 की डिग्री की वैल्यू वन बाय रूट थ्री होती है और 30 डिग्री को बोलते हैं पाई बाय सिक्स. अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमने क्या बोला था, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी कि नहीं आएगी? यस सर. बोला था माइनस. यस सर. माइनस थीटा, माइनस थीटा का मतलब माइनस पाई बाय सिक्स. ये इसका आर्गुमेंट जेड, दिस इज द आर्गुमेंट जेड माइनस पाई बाय सिक्स. ऐसे लिखना है बेटा, दिस इज द आर्गुमेंट जेड माइनस पाई बाय सिक्स. आया कि ये समझ में क्या लिखा मैंने? yes. बेटा ये समझ में आया क्या? yes, sir. नहीं आया? सर ये tan theta equals to minus 1 by root 3 के बाद वाला समझ नहीं है. बेटा 1 by root 3 की वैल्यू किसकी वैल्यू होती है tan में? 30 डिग्री. 30 डिग्री को बोलते हैं pi by 6. जिसको नहीं पता है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ वापस से, 30 डिग्री pi by 6. अभी ट्रिग्नोमेट्री में बताना पड़ेगा तुम्हें. 45 डिग्री pi by 4. 60 डिग्री pi by 3. और 90 डिग्री पाई बाय 2. ये चार वैल्यू याद रखो बेटा. 30 डिग्री पाई होता है 180 डिग्री, ऐसे याद रखो. पाई होता है 180 डिग्री, तो 180 बाय 6 कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया. इसलिए हम 30 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय 6. क्लियर? यस सर. यस. ठीक है, तो ये चार वैल्यू आप याद रखिए. तो आर्ग्यूमेंट जेड हो गया बेटा माइनस पाई बाय 6. एक और लेते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम. फाइंड द आर्गुमेंट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1+2 iota अपॉन 1-3 iota. इसका आर्गुमेंट भी निकालना है और मॉडुलस भी निकालना है. अब बेटा आर्गुमेंट निकालना है तो भाई मॉडुलस तो डायरेक्ट निकल जाता है, लेकिन हमें अभी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आर्गुमेंट भी निकालना है. ये मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 1+3 iota 1+3 iota. ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 1+3 iota प्लस 2 iota प्लस 6 iota स्क्वायर और नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये हो गया आपका 1+5 iota माइनस 6, 1-9 iota स्क्वायर माइनस 5+5 iota अपॉन 1+9 हो गया ये 10. तो ये अलग अलग कर लिया, जेड इक्वल टू -1/2 + 1/2 iota. यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर. नो सर. ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया इसको, -1/2 + 1/2 iota. अब देखो मॉडुलस ऑफ जेड, ये तो हमारा आ गया मॉडुलस जेड इक्वल टू अनरूड ऑफ -1/2 का स्क्वायर + 1/2 का होल स्क्वायर अनरूड ऑफ 2/4 1/√2. ये तो इसका मॉडुलस आ गया. मॉडुलस में किसी को डाउट? नो सर. नो. ये तो हाँ, ये तो मॉडुलस आ गया हमारा. अब देखिए अब मैं बात कर रहा हूं आर्गुमेंट की. कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म
standard form z equal to x plus iota y, x का वैल्यू माइनस वन बाय टू, y का वैल्यू वन बाय टू, अब कॉम्प्लेक्स नंबर लाए जिन सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर लाए जिन सेकेंड क्वाड्रेंट Now tan theta y by x 1 by 2 divided by 1 by 2 minus 1. बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में 1 किसकी वैल्यू होती है टेन में 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4. ठीक है तो मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या बोला था या थीटा एक ही बात था आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या बोला था बेटा पाई माइनस बोला था ना देखो तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वार्टर में मैंने बोला था पाई माइनस जो भी एक्यूट एंगल आएगा पाई बाय 4. तो बेटा इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ गया पाई माइनस पाई बाय 4. सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस आएगा पाई माइनस और इसका एंगल क्योंकि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो पाई माइनस पाई बाय 4 इसका वैल्यू आ गया पाई माइनस पाई बाय 4 करोगे तो 3π/4. क्या ये समझ में आया? यस सर. यस सर. यस देख लो. हाँ देख लो एक बार नहीं आया हो तो देखते हैं. एक सेकंड रुकिए. तो ये आ गया हमारा पाई माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 3π/4. क्लियर है? यस भाई. सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पाई माइनस लेना है और एक्यूट एंगल है पाई बाय 4 क्योंकि 45 डिग्री बन रहा है इसलिए इसका वैल्यू आ गया पाई माइनस पाई बाय 4. और देखो एक और करते हैं. वन प्लस सेवन आयोटा अपॉन वन टू माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इसका हमें आर्गुमेंट भी निकालना है और मॉडुलस भी निकालना है अब कैसे निकालेंगे समझो. 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इसको ओपन कर लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो ये आ गया 1 प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस 4 आयोटा तो 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा. अब हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे. थ्री प्लस फोर आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 3 + 21 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर और नीचे हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर. ये ऐसा आ गया भाई. अब ये हो गया आपका 3 + 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1 तो माइनस 28 9 - 16 आयोटा स्क्वायर
ये आ गया माइनस 25 प्लस 25 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है तो 9 प्लस 16, तो माइनस 25 प्लस 25 आयोटा अपॉन 25, 25 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 प्लस आयोटा, ये हमारी जेड की वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस आयोटा। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब हम पहले तो इसका मॉडुलस तो निकाल लेते हैं, मॉडुलस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मॉडुलस जेड, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, वन प्लस वन रूट टू, ये तो मॉडुलस जेड हो गया। अब बेटा जेड इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स का वैल्यू माइनस वन, वाई का वैल्यू वन, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट सेम आएगा जो पिछली बार निकाला था आपने। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टेन थीटा हो गया आपका वाई बाय एक्स, वन अपॉन माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या थीटा भी लिखते हैं बेटा इसको, ऐसे मत बोलना सर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है पाई बाय फोर, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो जी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में वन आ रहा है तो पाई बाय फोर, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका आएगा पाई माइनस थीटा, जैसे पिछली बार में बताया था, पिछली बार बताया था बिल्कुल वैसे के वैसे ही पाई माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू है पाई बाय फोर, तो पाई माइनस पाई बाय फोर ये हो गया थ्री पाई बाय फोर, तो द वैल्यू इज इक्वल टू थ्री पाई बाय फोर, ये वैल्यू आ गई बेटा। क्या ये समझ में आया? यस सर। इस तरह से हम मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालेंगे बेटा, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने का तरीका है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है वो और बता रहा हूं मैं आपको, वो प्रॉपर्टी है जेड इंटू जेड बार, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे आप तो बेटा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर आएगा। प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी जेड इंटू जेड बार, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर मिलेगा। कैसे? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि कभी आपसे ऐसा बोल दिया, कभी ऐसा आ गया, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बोला थ्री प्लस फोर आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं थ्री माइनस फोर आयोटा, तो डायरेक्ट आप थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर आप निकालोगे तो भी वही आएगा, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डायरेक्ट जेड इंटू जेड बार, तो डायरेक्ट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 9 प्लस 16 कितना हो गया बेटा 25, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये आपका जेड इंटू जेड बार, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा मॉडुलस जेड का स्क्वायर आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये आएगा। अब इसमें एक दो प्रॉब्लम रह गया, अब वो कल करके और कल कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अब तुम मुझे एक बात बताओ भाई, हमारे 9 तक सारे हो गए वैसे तो,
अब किस किस के एग्जाम चल रहे हैं अभी वो बताओ। सर मेरे स्टार्ट होंगे हाफ ईयरली। हाँ तेरा ऑनलाइन स्टार्ट होंगे ऑनलाइन। और क्या क्या आ रहा है? होने वाले हैं ना तेरे तो, और दिया के तो होने वाले हैं पता मुझे। क्या क्या आ रहा है बेटा? सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा और बाकी जितने भी पढ़ा है ना एपी के अलावा सारे आ रहे हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ानी पड़ेगी तुम्हें? यस सर। बेटा चैप्टर 7 तक सारे चैप्टर्स आ रहे हैं चैप्टर 4 को छोड़ के। हाँ तो वो तो वही तो बोल रहा हूँ ना, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ानी पड़ेगी इसका मतलब यही हुआ ना। हाँ सर अब अगला चैप्टर ट्रिगो ही पढ़ा देगा। तो ट्रिगो पढ़ाना है तो बेटा रिविजन तो करना पड़ेगा अब एक टाइम पर। बेटा पीयूष अब एक टाइम पर क्योंकि ये वाला चैप्टर तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम पर आपको अपन को ट्रिग्नोमेट्री चालू कर देना चाहिए अभी। ये है ना शेर सिंह तू बोल भी रहा था कि दोबारा पढ़ना है मुझे है ना। ओ शेर सिंह। यस सर। तेने बोला था ना ट्रिग्नोमेट्री? यस सर। तो एक काम करते हैं फिर कल से ट्रिग्नोमेट्री चालू कर देते हैं और जिसकी इच्छा होगी तो इवनिंग वाले बैच में नया कर देंगे कुछ स्टार्ट। नहीं तो अभी तो सबके एग्जाम चल रहे हैं रोहित है बेटा नया चैप्टर करना बनता तो नहीं है। बचे ही ऐसे चाहता हूँ कुछ चैप्टर ही अब ज्यादा थोड़ी बच्चे बेटा हैं इनके एग्जाम हो जाने देते हैं फिर उसके बाद नया चैप्टर चालू कर लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री कल से चालू करेंगे भाई ठीक है। तो दिया तेरा ये ट्रिग्नोमेट्री वाला काम भी हो जाएगा ना बेटा ये। चलिए बेटा अब अपन 7 बजे मिलेंगे इवनिंग में आज कॉम्बिनेशन करेंगे उसमें।